वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर टू शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर टू का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ज्यादा समझ में आता है, मूड में पीर होते हैं। क्लियर? गर्मी पड़ रही है पेरेंट? क्लियर? कुछ ठंडा हो जाए? Yes, आ जाओ, चुस्की खाओ, चुस्की चुस्की। Yes, कितने लोग कहेंगे चुस्की रेस्टोरेंट? अरे चुस्की खाएंगे, चुस्की वन बाय वन। ठीक है, ये आप हो। ये चुस्की है। क्लियर? ये आप हो, ये कौन है? चुस्की। बताओ, जैसे ये चुस्की यहां पर है ना, तो कैसा महसूस होगा? टिंडे है भाई, कछु महसूस नहीं हो, मैंने दही थोड़ी है, दूर रखिए, अभी कुछ महसूस नहीं होगा। क्लियर? चुस्की भी है, आप भी हैं, इन दोनों में हॉट बॉडी कौन है? तुम हॉट बॉडी हो, इट मींस यू आर अ हॉट बॉडी। यो गाइस, चुस्की कौन है? कोल्ड बॉडी। यस सर नो? और जैसे ही मैंने चुस्की तुम्हारे हाथ में दे दी, तो ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है? क्लियर? चुस्की शट अप। अब जैसे ही चुस्की तुम्हारे हाथ में आ गई, तुम्हें कैसो महसूस भाव? ठंडो महसूस भाव? यस सर नो? लिसन एवरीवन, जब आपने उस चुस्की को टच किया, आपको ठंडा महसूस हुआ, और ठंडा महसूस होने का एक रीजन था, आपकी बॉडी हॉट बॉडी थी, चुस्की कोल्ड बॉडी थी। जो हॉट बॉडी है वो हाई टेम्परेचर पर है या नहीं है? और जो कोल्ड बॉडी है वो लो टेम्परेचर पर है या नहीं है? है ना? जैसे ही आपने चुस्की को छुआ, हीट का फ्लो हुआ। काय का फ्लो हुआ? जिन लोगों ने 11th लेक्चर से पढ़ी है वो सब जानते हैं, राइट? हीट का फ्लो हुआ। अब हीट का फ्लो एहे होगो या एहे होगो? एहे, यानी हीट का जो फ्लो होता है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सीन क्लियर है? हीट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होता है? काय पहले बताइए, इसको छोड़ो, तुम्हारी बॉडी से अगर हीट निकलेगी तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, गर्म या ठंडा? और तुम्हारी बॉडी को हीट मिलेगी तो? हाँ, तो यहां पर हीट कहां से कहां की तरफ ट्रांसफर हुई? हाँ, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, या ऐसे बोल दू हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है, ये बात सबको समझ में आ रही है? और ये हीट का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, हीट का फ्लो रुक जाएगा, हीट का फ्लो रुक जाएगा। सीन क्लियर है? ये बात हम लोगों ने 11th में पढ़ी थी कि हीट का जो फ्लो होता है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और तब तक होता है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, हीट का फ्लो रुक जाएगा। जो बोला आपको पल्ले पड़ा? तो आप ही बता दो यार, अगर मैं चाहता हूं कि हीट का फ्लो लगातार होता रहे, तो इसके लिए दोनों के टेम्परेचर सेम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? यानी दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, राइट? अगर हम चाहते हैं कि हीट का फ्लो लगातार होता रहे, आशुतोष सुन रहे हैं ना तू? अगर मैं ये चाहता हूं कि हीट का फ्लो लगातार होता रहे, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है टेम्परेचर डिफरेंस। विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस हीट का फ्लो नहीं होगा। यस और नो? इसी तर्ज पे हमें अब आगे की कहानी समझनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ये मैंने मान लिया 30 वोल्ट पर है, ये 10 वोल्ट पर है। इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है। जिसको आप नॉर्मल लाइफ में वोल्टेज वोल्टेज चिल्लाएगा तो ना, ये वही वोल्टेज है। सीन क्लियर है? तो बताओ, इनमें से कौन सा हाई पोटेंशियल पर है, कौन सा लो पोटेंशियल पर है? ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। तो इसमें चार्ज का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा? एहे या एहे? एहे। क्लियर? नहीं हो, कनेक्टिविटी कहां है? अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अब होगा। क्लियर?
अब मैंने दोनों को एक मेटलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, अब होगा, अब यहां पर चार्ज का फ्लो होगा। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है ना, जैसे यहां पर हीट का फ्लो होता है, जिन लोगों ने 11th पढ़ी है, हीट को क्यू से डिनोट करते थे हम लोग, राइट। इसी तरीके से यहां पर पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। जैसे मैंने यहां बोला कि हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, वैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। मैंने यहां बोला हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाएं। इन द सेम वे यहां पर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। क्लियर है? चार्ज के फ्लो को ही हम लोग करंट बोलते हैं। यस और नो, है ना? बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहां पर करंट का फ्लो कहां से कहां की तरफ हो रहा है? 30 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। सीन क्लियर है? अगर मैं ये चाहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो लगातार होता रहे, करंट का फ्लो लगातार होता रहे, तो इसके लिए जरूरी क्या है? पोटेंशियल सेम नहीं होने चाहिए, पोटेंशियल अलग अलग होने चाहिए, यानी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। सुना होगा 9th-10th में ये वर्ड आपने। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है? करंट का फ्लो लगातार बनाए रख सकते हैं हम लोग। गॉटिंग माई पॉइंट एवरी वन? गॉट माई पॉइंट एवरी वन? सीन क्लियर है सभी को? तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां की तरफ होता है? हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कब तक होता है? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। क्लियर है? हमारी जो एंशियंट फिजिक्स है, पुरानी फिजिक्स जो है, पुराना जो भी किताबें हैं फिजिक्स की, उसमें ये बात मानकर कही गई है, सारी चीजें ये बात मानकर रिज्यूम की गई है कि पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाता है वही करंट की डायरेक्शन होती है। पुरानी फिजिक्स ये मानती है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को करंट बोलते हैं। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो करंट जई लंग जागो। क्लियर? यानी जहां जहां पॉजिटिव चार्ज वहां वहां करंट। पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे ही जागो। पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो करंट। घर में तुमने देखा होगा कई बार, जैसे तुम्हारे घर में छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, तुम जैसे बाजार के लिए निकलते तो वो कहते मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा पीछे में। ये सर नो बोलो भैया। तो खैर जो भी है, तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। ऐसा एंशिएंट फिजिक्स कहती है, पुरानी फिजिक्स कहती है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में अब आप लोग ये भी पढ़ने लगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। यस और नो? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो यहां पर ये अज्यूम किया गया है कि भैया करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए ये अपोजिट हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर नेगेटिव चार्ज इधर जाएंगे और कोई पूछे करंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप बोलना हमेशा अपोजिट होगी। क्लियर? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज के हमेशा अपोजिट होती है। यानी अगर नेगेटिव चार्ज ऐसे जाओगे तो करंट कैसे जाओगे? नेगेटिव चार्ज अगर तुम्हारी लंग जाओगे तो करंट मेरी लंग आओगे। सही बोला? इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाओगे तो करंट नीचे जाओगे। प्रोटोन अगर ऐसे जाओगे तो करंट ऐसे जाओगे, क्योंकि प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इतने तो पता हो तुम्हें? पता है ना? पता हो? अच्छा बताओ। सीन क्लियर है? तो कोई भी अगर पूछे पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो करंट बता दोगे ऐसे जा रहा है? कोई बोला इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है तो करंट ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आती है सभी को? ये सीन क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा कहां से कहां की तरफ होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कब तक होता है? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? रंजीत, बात समझ में आ रही है? क्लियर? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा कहां से कहां की तरफ होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ रहा हूं, आगे की बात करता हूं। क्या? हाँ एग्जैक्टली। अब बताओ, आप ही बताओ। चलो अभी मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा कहां से कहां की तरफ होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या बोलोगे? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सीन क्लियर है सभी को? चलो इधर देखो, साइंटिस्टों ने ये अज्यूम किया है कि अर्थ जो होती है, अर्थ, हमारे पास जो अर्थ है, उस अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। क्लियर? ओटी वगैरह में कई बार पूछ लेता है कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, तो ऑलवेज से जीरो। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। लिसन एवरीवन, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उससे पहले जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से देख लो, ठीक है? हम लोग मानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, ये अज्यूम किया गया है। क्लियर? आगे देखते हैं। ये मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर बना दिया। क्या बना दिया? और इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को उठा के मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है? अर्थ। किसी भी जगह बेटा अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है, ऐसे ये दो तीन लाइनें खींची हैं,
तो ये अर्थ का सिंबल है, आप समझ जाना, हर बार कोई नहीं बताएगा आपको, राइट, क्लियर। आगे जाके लोग अगर ऐसा डिजाइन कहीं बना दें तो समझ लेना ये अर्थ से कनेक्टिविटी है। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यहां पर मैंने पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया है, ये मैंने नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया है। सीन क्लियर है? अर्थ का खुद का पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। आप लोग यहां पर बैठे हो, सब अच्छे अच्छे बच्चे हो, है ना? तुम लोगों को अगर मैं लुच्चों के संग बिठा दूं, तुम में से किसी एक को मैंने किसी लुच्चों के साथ बिठा दिया तो आप भी लुच्चे हो जाओगे, यस और नो? बड़ों ने कहा है संगत का असर होता है, यस और नो? अगर मान के चलो आप में से एक बंदा बुरे लोगों के साथ बैठ गया तो वो बुरा बन जाएगा, आप में से एक बंदा अच्छे लोगों के साथ बैठ गया तो वो अच्छा बन जाएगा, यस और नो? अर्थ का खुद का पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ के संपर्क में अगर कोई रखा जाएगा तो वो उसके पोटेंशियल को क्या करने की कोशिश करेगी? जीरो करने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी देखते हैं। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, अर्थ का खुद का पोटेंशियल जीरो होता है, राइट? अर्थ का खुद का पोटेंशियल जीरो होता है, क्लियर है? अब इसके संपर्क में ये रख दिया तो ये इसके पोटेंशियल को भी जीरो करती है। कैसे करती है, इसको समझने की कोशिश करें। साइंटिस्टों ने ये माना है कि अर्थ के अंदर बहुत अधिक तादाद में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत अधिक तादाद में है। और आप लोग पढ़ते हो यार, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने चैप्टर वन में दूसरे दिन ही बता दिया था, सब चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, राइट? तो ये सब न्यूट्रल होता है, इसके अंदर बहुत अधिक तादाद में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। इससे अगर मैं थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज ले लूँ, ये इसको थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज दे दूँ, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे समंदर में बहुत पानी होता है, उसमें से मैं दो बाल्टी पानी निकाल लूँ तो समंदर का स्तर नीचे गिर जाएगा, वहीं रहेगा। चार छः बाल्टी और वो ले लिया हूँ तो अभी वहीं रहेगा, क्योंकि वो पानी ऑलरेडी उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, यस और नो? सीन क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। तो साइंटिस्टों ने ये माना है कि इसके अंदर बहुत अधिक तादाद में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भरे हुए हैं, थोड़े बहुत इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो या थोड़े बहुत इसको दे दो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप गौर से देखिएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये अर्थ है, अर्थ का खुद का पोटेंशियल जीरो होता है, तो अर्थ इसके पोटेंशियल को भी जीरो करने की कोशिश करती है। कैसे करती है? इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो साइंटिस्टों ने यह माना है कि अर्थ के, अब आप बताओ इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगेगा? नेगेटिव चार्ज लगेंगे। तो साइंटिस्टों ने यह माना है कि अर्थ के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं और ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में मिलते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। कहानी क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कुछ ने यह कहा है कि जब आप इसे ऐसे कनेक्ट करते, पहले आप बताओ, किसी ने पूछ लिया पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां की तरफ होता है? अर्थ से कंडक्टर की तरफ या कंडक्टर से अर्थ की तरफ? ऐसे बोल दोगे? हाँ, पेपर में बोले यही हो, है क्लियर? कहां से कहां की तरफ होता है? ओबाने यो पूछ ली कि पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होता है? कंडक्टर से, क्योंकि अभी अभी बताया था नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है, इलेक्ट्रॉन यो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज ही तो यो जा रहे हैं, जब नेगेटिव चार्ज यो जाएंगे तो करंट यो जा। सीन क्लियर है? अंदाज अलग अलग अंदाज में पूछ सकता है, क्लियर है? अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉन्स की कहानी होगी। कुछ ने ये बोला कि पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जमीन में चला जाता है। अब आप बताओ, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे होगा तो करंट कैसे होगा? यही होगा। आप देखो, चाहे जैसे देख लो, करंट की डायरेक्शन वही आ गई। नहीं आई मेरी बात समझ में? अब मैं अलग अलग अंदाज में पूछ रहा हूँ, आप बताओ, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को जब अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां की तरफ होता है? कंडक्टर से अर्थ की तरफ। अगर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा? अर्थ से कंडक्टर की तरफ। अगर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा? कंडक्टर से अर्थ की तरफ। कहानी समझ में आ रही सभी को? तो घुमा घुमा के पूछेगा तो घुमा घुमा के जवाब दे देंगे, दे दे नहीं दे देंगे? बताइयो, देखें कौन सा बता रहा है मुंह पे थे। ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, बताओ नेगेटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा? हाँ, नेगेटिव चार्ज बोले तो काय का फ्लो है ये?
काय का फ्लो है ये? नेगेटिव चार्ज को क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रॉन का फिल्लो। बोलो भैया। करंट का फिल्लो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो जाएंगे तो करंट नहीं जाएगा, अपोजिट, जीरो जीरो जीरो। समझ समझ में नहीं आई हुई मैंने, ऐह करता हूं। करंट का फ्लो, बोलो भैया। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। हाँ, बट यूजुअली जो थ्योरी मानी जाती है इलेक्ट्रॉन्स की मानी जाती है, क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मोबाइल होते हैं, सीन क्लियर है? तो अगर किसी ने भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो मन बद दोगे बाको कि कितने कांको फ्लो हो, वो बात समझ में आ रही है? फटाफट जल्दी जल्दी जरा जवाब दे दो। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? ऐसे ऐसे भगवान कसम अत कर लै पापीन ने। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कब तक होता है? हाँ, नेगेटिव चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? हाँ, सीन क्लियर है सभी को? पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो करंट क्या कर रहे हो रे कारी टी शर्ट? पॉजिटिव चार्ज जा लग जाओ तो करंट कौन सी लग जाओ? तो तू यूं क्यों कर रहे हो दो बल चलन दे, एक ना एक सही हो, क्लियर? पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा, प्रोटोन ऐसे जाएगा तो करंट, पॉजिट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट। कहीं पॉजिट्रॉन जानते ना, चैप्टर वन में बता चुका हूँ पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर? इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट, सीन क्लियर है ना? कंते कंपे क्लियर? अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? तो फटाफट इस चैप्टर की शुरुआत एक नोट से की गई है, फटाफट पढ़ मारो फिर आगे बढ़ूंगा। क्या मैं उम्मीद करूं यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई? एक छोटा सा क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली फॉर यू, रेडी? बताइए जरा कहा है? अभी तक आपने जितना पढ़ लिया इस चैप्टर में अप्लाई होगा, ठीक है? बताओ जी मैंने कहा बना हुआ है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, राइट? इसकी डायरेक्शन किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की? ऐसे है? अच्छा, बड़े समझदार हो। अच्छा बताइए, जब मैंने चैप्टर वन पढ़ाया था, ये जो मैं समझा रहा हूँ वो चैप्टर वन जिन्होंने पढ़ा है वही समझ पाएंगे, पहले वही समझ जाए। प्लस क्यू चार्ज रखा है, कितना जाओ? ऐह जाओ, फोर्स लगेगा जहाँ पे? अच्छा, कितने फेंका है ना? सही बोल रहा हूं? यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने दो पॉइंट अज्यूम कर लिए हैं, पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। बोले भैया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज रखा गया तो आप पहले मुझे ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ गया है या बी से ए की तरफ गया है? तो हमारा क्वेश्चन थारे से क्वेश्चन ये है, पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा? विच इज द करेक्ट आंसर? ए। कैसे ऐसे जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज जब ऐसे जा रहा है तो हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो इसका मतलब यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा बी पॉइंट पे पोटेंशियल से। समझ में ही नहीं आई होगी, सीन क्लियर है? है पोटेंशियल फिल इन द ब्लैंक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल फिल इन द ब्लैंक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस। है समझ में आया? क्योंकि यहां ज्यादा था यहां कम था, और नहीं यही बात समझ में, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाता है? हाँ, चाहो तो इस लाइन को लिख लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगी। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल वर्ड सुना है आपने कभी जिंदगी में पहले? क्या मतलब होता है इसका?
एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाँ बात सही है। आपने कई बार देखा होगा, बड़े बड़े रियलिटी शोज देखे होंगे आपने। रियलिटी शोज में कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है आपके बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, ऐसे कहा जाता है। आपके पेरेंट्स ने भी कभी ना कभी आपसे कहा होगा कि बेटा तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, हैं? कभी नहीं कहा है, आज तक नहीं कहा? कर्म तो कर लियो पहले वैसे है, ऐसे कहते जे ये एक बुरवार है हमारे घर में है, ऐसे ही कहते होंगे गाय। लिसन एवरीवन, इस दुनिया में हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। अगर हम लोग ये सोचे ना पढ़ाई लिखाई सब कुछ होती है तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान की अपनी एक क्वालिटी होती है जो उसे अलग और यूनिक बनाती है बाकी दूसरों से, है ना। लिसन, तो अब हम लोग जानते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रेडी एवरीवन, अब यहां से रियल मायने में चैप्टर की शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं। पहले बताओ मैग्नेट के जो हुए बहुत थाप पड़ेंगे जूरा जूर, गाल दे गाल मिल जाएंगे चूतिया। ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम वे। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी माय मिस्टेक, राइट। ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक। मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, कोई बात नहीं, छोट क्लियर है। तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या पैदा होता है? जिस प्रकार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? सब जानते हैं, चैप्टर वन में पढ़ा चुका हूं। तो बॉस ये चार्ज है कैपिटल क्यू और इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है ऐसा हम लोग बचपन से जान रहे। जामे जी दो बंदा धरे हैं, झटका ज्यादा किसको लगेगा? यानी यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। थोड़ी देर बाद बोलूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको, लगे लग जाए, मैं क्या कर दूंगा हमें, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डब्ल्यू यहां पर वर्क है और वर्क को हम लोग काय में नापते हैं? जूल। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। क्यू चार्ज है और चार्ज को हम लोग कूलाम में मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है तो जूल पर कूलाम। क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलाम। याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला याद है तो मैं बना सकता हूं, राइट। इसके अलावा इसकी एक दूसरी यूनिट होती है दैट इज वोल्ट। क्लियर, यूजली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट यूज करते हैं वोल्ट यूज करते हैं। क्लियर है, वैसे तो एक चीज के हजारों यूनिट हो सकते हैं पर हम लोग चलन में ये है, बाकी का आप ये भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। सीन क्लियर है सभी को? कईयों टेक्स्ट बुक आप लोग अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, कुछ में फॉर्मूला ऐसे लिखा होगा, कुछ में मे बी पॉसिबल यही फॉर्मूला ऐसे लिखा हो, तो आप डरप मत जाना। क्लियर, ऐसे करके भी लिखा दिख सकता है आपको। ये थोड़ा खतरनाक खगीसा लग रहा है ना। अगर किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीजों को क्या एज्यूम करते हैं, अगर मैं q बराबर प्लस वन कूलाम रख दूं तो ये नजारा ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ये क्या नजारा है हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तैयार हैं हम सब लोग? तो अभी अभी आपने मुझसे बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर, ये पूरा इलाका कैपिटल क्यू का है, यस और नो? और इस मोहल्ले में कोई स्मॉल क्यू बोल दूं या यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दूं, स्मॉल क्यू बोल दूं या यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दूं, ये यहां पे आके रहना चाहता है तो जे रहन दे हो जाए। तुम्हारो घर है, तुम्हारे घर में आए गए को अजनबी अपनो टीओ बनाया, तुम भाई रहन दोगे? भाई बिड़ा दोगे, फेंक के आओगे बाहर तक, और इतना फेंक के आओगे कि लौट के नहीं आ जाए? बोलो भैया। इन द सेम वे आप बताओ ये चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जब कोई सिंबल नहीं होता पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज है,
सेम चार्जेस के बीच कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सिव लगा था एह या एह एह तो जे कितको जागो? जालंग जागो जे बिड़ाद देगो जाए कहां तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक इसलिए ताते लौट नहीं आया कहता हूं। क्लियर? कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। किसको फेंक दिया इसने? या तो दो तरीके से बोल सकते हो, या तो बोल दो टेस्ट चार्ज या बोल दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जान ने अपने इलाके से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को भगा दिया इनफाइनाइट तक। किसको भगा दिया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। भाई साहब जिद्दी है, भारी बज्जुर है, वो कह रहा है रेंगो वो कह रहा है रेंगो तो यही रेंगो। तो जहां रेवी के लिए बाम है पोटेंशियल होना चाहिए, दम होनी चाहिए उसमें। बोला भैया लड़ाई बिड़ाई होगी, घूसा लात होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? ये चार्ज इस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ फेंक रहा है, तो इसे इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो भैया कुछ वर्क करना पड़ेगा। कहां से कहां तक आने में वर्क करना पड़ेगा? इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक आने में, पी पॉइंट तक आने में। बोलो भैया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से बोल रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक, इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अगेन आई रिपीट, टिंडे रिपीट, बता लिसन सुन लो एक दो बार और सुन लो जिससे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इस चैप्टर की थीम ही पूरी है, राइट? इसके बाद मैं ज्यादा ताकत नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना इशारे में बात होंगी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा सा जो मैं बुलवाऊँ आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेशन जल्दी याद होगी, राइट? आप बताओ, अभी मैंने आपसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल, अभी यहां पर हम कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं? तो वी को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? चम मोए खोलो और बोलो का है जे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस वर्क डन के बराबर होता है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक ले जाने में किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? कुछ लोग डेफिनेशन इस हिसाब से बोल देते हैं और कुछ लोग इस डेफिनेशन को इसके हिसाब से भी बोल देते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। समझ में आए? फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। पढ़ना है, समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे आप चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहानी समझ में आ रही है? वीडियो को पॉज करो, दो मिनट का समय दे रहा हूं, पढ़ लो इसको, पूछूंगा आपसे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा ही है? यस और नो? क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? पोटेंशियल डिफरेंस की, अगर इसका नोट तो हो गया होगा सभी का, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, समझ गया ना? वही फॉर्मूला है, सीख ले रहे ना? इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो गया तेल लेने। पहले आप मुझे एक बात बताओ, आए तुम्हारी जेब में 3 रुपया है, वो मालूम है इतना आने का छू, पर मान लो 3 रुपए हैं, कितने हैं?
आज तुम्हारी जेब में 3 रुपए हैं, कल 5 रुपए हो जाएं, कितने हो जाएं? 5 रुपए। तो डिफरेंस कितने का है? धोखा है ये, धोखा है। हाँ धोखा, वही तो बोल रहा हूं, क्लियर। तो डिफरेंस हमने निकाला तो आपने बोला डिफरेंस 2 का है। कैसे निकाला आपने? 5 माइनस 3। यस और नो? इनिशियल वैल्यू कितनी थी आपकी जेब में? स्टार्टिंग वैल्यू, दिस वॉज द इनिशियल वैल्यू 3। ये फाइनल वैल्यू थी, थी नहीं थी? जब मैंने बोला बेटा डिफरेंस बताओ तो बच्चों ने क्या किया? 5, जो कि फाइनल वैल्यू थी, माइनस कर दिया इनिशियल वैल्यू को। यस और नो? दिमाग में उतार लो, आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा। जब भी कभी आपको डिफरेंस निकालना हो या चेंज निकालना हो, वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्लियर? कभी भी किसी भी चीज का आपको डिफरेंस या चेंज निकालना हो, वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जिन लोगों ने 11th लेक्चर से पढ़ी होगी सब जानते होंगे, और वैसे भी चेंज आप ही ने तो बताया, मैंने थोड़ी बताया। दो का आप ही ने तो बताया चेंज हो रहा है, तो क्या किया आपने? फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दिया। यस और नो? बोले भैया मान के चलिए कोई चार्ज है, इसे मैं यहां से यहां ले जा रहा हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जा रहा हूं। ए पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने वी ए मान लिया, बी पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने वी बी मान लिया। अब को मोतेंगे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो बताओ मैं काय में थे क्या करूं? वी बी माइनस, समझ गए? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कराओगे? ऐसे करिए, ऐसे करते हैं, क्लियर? अब मुझसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताऊं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताओ ये मैंने क्या बनाया है? चार्ज। चार्ज के चारों तरफ क्या पैदा होता है? तो ये बढ़िया, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। क्या बना दी बच्चों? अब आप मुझसे बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर, जैसे ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल, अच्छा अलग अलग होता है। ए पॉइंट पे मान के चलिए कोई चार्ज है, टेस्ट चार्ज मान लो, चाहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लो, जो भी आपको मानना है। इसको मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ? तो पहले तो आप मुझे बताओ ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल अगर मैंने मान लिया ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मैं क्या लगाऊं? समझ में आ रही है बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस का यही फॉर्मूला है और इसी के आधार पर हम लोग इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। क्लियर? ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। कुछ लोग सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है। क्लियर? बाकी का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये और ये एक ही बात है ना? क्यू बराबर +1 कूलाम रख दूं, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीजों को 1 1 1 मानते हो, तो ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन में क्यू। क्यू की जगह 1 लिख दूं? अपॉन में 1 लिखना जरूरी है? ना लिख रहा हो तो सीन क्लियर है? ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उस वर्क डन के बराबर होता है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाता है। कहानी समझ में आ रही है? अगेन आई रिपीट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चाहो तो इसके आधार पर भी बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। सीन क्लियर है? डेफिनेशन पढ़ लें, समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिर कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।